देश भर में इस वक्त दिवाली दिवाली की रौनक है। हर तरफ जगमग जगमग नजर आ रहा है। दिवाली को लेकर जहां पूरा देश खुशी मना रहा है, तो वहीं घाटी में दहशतगर्द हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर के अखनूर में सोमवार सुबह आतंकवादियों ने फिर नापाक वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना के वाहन को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन देश के जांबाज सिपाहियों ने आतंकियों के मंसूबों को एक बार फिर नाकाम कर दिया। शाम तक हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं थी, मगर अब एक दुखद खबर सामने आई है। आज सुबह सुंदरबनी सेक्टर के आसन के पास सेना के काफिले पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद ऑपरेशन में भारतीय सेना के कुत्ते फैंटम की जान चली गई। इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स यूनिट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की ओर से मुठभेड़ में मारे गए फैंटम की तस्वीर शेयर करते हुए उसे श्रद्धांजलि दी है। इस आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और तेजी से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमले के बाद सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। अब सेना ने घाटी में आतंक का सफाया करने के लिए टैंकों की भी मदद ली है। ये पहला मौका है जब सेना ने आतंकियों से निपटने के लिए टैंक उतारे हों। अखनूर से पहले 25 अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में घात लगाकर आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के दो जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर सुरक्षा बल के एक वाहन पर गुरुवार को हमला किया था। जिले के कुयस से उदयती कुश्ती आती थी, जिसमें सेना के दो जवानों और दो कूलियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कूली और एक जवान घायल हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गुंड में रविवार 20 अक्टूबर को एक निर्माणाधीन सुरंग में काम करने वाले मजदूरों को आतंकी ने निशाना बनाया था। आतंकवादी ने मजदूरों के कैंप में घुसकर अंधाधुंध हो गोलियां चलाई थी। इस हमले में कश्मीर के एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों समेत 7 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए थे, शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर